रेडियो सिटी ओरिजिनल्स मैं हूं दशानन रावण। क्या आप जानते हो कि दशानन रावण की मृत्यु एक रची गई षड्यंत्र का हिस्सा थी? क्या आप जानते हो कि यह षड्यंत्र प्रतिशोध लेने के भावना से रचा गया था? क्या आप जानते हो कि यह षड्यंत्र उसी के किसी सगे ने रचा था? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह षड्यंत्र रचा था दशानन रावण की बहन सूर्पनखा ने। सूर्पनखा ने रामायण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो वाल्मीकि रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थी। और सूर्पनखा ही रामायण के युद्ध का मूल कारण थी जो आगे चलकर दशानन रावण की मृत्यु का कारण बनी। सूर्पनखा ऋषि विश्रवा और कैकेयी की बेटी थी। सूर्पनखा का अर्थ है वो जिसके धारदार नाखून हो। एक कथा अनुसार सूर्पनखा बचपन में मीनाक्षी नाम से जानी जाती थी। मीनाक्षी अर्थात वो जिसकी आंखें मछली सी है। सूर्पनखा दानव वंश के राजकुमार विद्युत जीवा से प्रेम करती थी और उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। और जब रावण को यह सूचना मिली वो क्रोधित हो उठे। रावण राक्षस थे और विद्युत जीवा दानव था और राक्षस और दानव में शत्रुता थी। इसी कारणवश रावण अपनी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन अपनी पत्नी मंदोदरी के समझाने पर उसकी बहन की इच्छा मंजूर हो गई और उसने सूर्पनखा उसके पति और दानवों को अपने रिश्तेदारों के रूप में स्वीकार कर लिया। विद्युत जीवा दुष्ट बुद्धि के नाम से भी जाना जाता था और वो लंकेश्वर रावण के दरबार का एक प्रमुख सदस्य भी था। सूर्पनखा और विद्युत जीवा का एक बेटा भी था जो शामरी नाम से जाना जाता था। रसातल पर विजय प्राप्त करने के समय रावण ने अपनी बहन से मिलने का फैसला किया, जहां उसकी मुलाकात विद्युत जीवा से हुई। जब रावण वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि विद्युत जीवा दशानन रावण के खिलाफ साजिश रच रहा था। इस बात पर दोनों में युद्ध हुआ। विद्युत जीवा लंकापति रावण के हाथों मारा गया और इससे सूर्पनखा विधवा हो गई। अपने पति की हत्या के बाद सूर्पनखा ने दक्षिण भारत के जंगलों में समय बिताना शुरू किया। बाद में वह अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ रहने चली गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सूर्पनखा भगवान राम से तब मिली जब वह पंचवटी जंगल की यात्रा पर थी। भगवान राम के सुंदर व्यक्तित्व ने सूर्पनखा को मोहित कर दिया था। उसने भगवान राम को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। भगवान राम ने सूर्पनखा से कहा कि उन्होंने केवल एक ही पत्नी रखने का व्रत लिया है और इसलिए वह अपने जीवन में किसी अन्य महिला को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सूर्पनखा तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण के पास गई, जिन्होंने क्रूरता से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपमानित महसूस करते हुए सूर्पनखा ने सीता पर आक्रमण किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसे रोक दिया और अंत में लक्ष्मण ने सूर्पनखा के नाक और कान काट दिए। सूर्पनखा जोर जोर से रोती हुई अपने भाई खर के पास गई। उसने अपनी दुर्दशा सुनाई। उसने राम पर हमला करने के लिए 7 राक्षस योद्धाओं को भेजा, हालांकि वे सब आसानी से मारे गए। इसके उपरांत 14,000 सैनिकों सहित खर राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वे सभी राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। अंत में सूर्पनखा लंका गई और रावण को पूरी कहानी सुनाई। उसने रावण को सीता का अपहरण करने और उससे विवाह करने के लिए मना लिया, लेकिन विभीषण ने रावण को चेतावनी दी कि श्री राम एक दिव्य अवतार हैं। हालांकि रावण ने उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सीता का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही घटनाएं सामने आई, राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और आखिरकार रावण राम के हाथों मारा गया। रामायण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि सूर्पनखा का राम या लक्ष्मण के प्रति कोई वास्तविक प्रेम या झुकाव नहीं था। सूर्पनखा का असली मकसद रावण द्वारा मारे गए अपने पति का प्रतिशोध लेना था। सूर्पनखा अच्छी तरह जानती थी कि रावण राम के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा, इसलिए उसने साजिश रची
और राम के हाथों उसे मारने की योजना बनाई। और इस प्रकार सूर्पनखा अपने भाई रावण के मृत्यु का कारण बनी। तो ये थी कहानी दशानन रावण की। मैं हूं दशानन रावण।